हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास है रियलमी के दो तगड़े स्मार्टफोन, रियलमी P1 स्पीड 5G और रियलमी नार्जो 70 टर्बो। आज की इस वीडियो हम ये चेक करेंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा रियलिटी में 90 FPS की गेमिंग को सपोर्ट करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। ये दोनों ही स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 के एनर्जी चिपसेट के साथ आते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इन दोनों स्मार्टफोन की बैटरी को चेक कर लीजिए। रियलमी P1 स्पीड 5G में है 98% और रियलमी नार्जो 70 टर्बो में है 100%, यानी फुल चार्ज। इन दोनों स्मार्टफोन में ड्यूटी मोड भी देखने को मिलता है, तो सबसे पहले उसको स्टार्ट करते हैं। जीटी मोड तो ऑन हो गया। चलो अब देखते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में सबसे पहले BGMI को कौन ओपन करता है। ये रहा रियलमी नार्जो 70 टर्बो और ये रहा रियलमी P1 स्पीड 5G। तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गेम को स्टार्ट करने की बात रही तो सबसे पहले रियलमी P1 स्पीड ने गेम को ओपन किया। उसके 2-3 सेकंड के बाद भी रियलमी नार्जो 70 टर्बो में गेम ओपन हो गई। सबसे पहले हम रियलमी P1 स्पीड में टेडियम का मैच लगाएंगे और देखेंगे कि क्या फ्रेम ड्रॉप रहता है और बैटरी ड्रेनिंग कितनी होती है। तो चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। हाई ग्राफिक की बात करें तो हमें रियलमी P1 स्पीड में स्मूथ पे एक्सट्रीम को देखने को मिलती है। रियलमी P1 स्पीड में एक TDM का मैच लगा कर देखा जिसमें हमें 90 FPS तो देखने को नहीं मिली, लेकिन 60 FPS विदाउट फ्रेम रेट देखने को मिल गई। रियलमी P1 स्पीड में TDM का मैच लगाने के बाद चलो अब रियलमी नार्जो 70 टर्बो में एक TDM का मैच लगा कर देखते हैं और देखते हैं कि अगर रियलमी नार्जो 70 टर्बो हमें TDM के अंदर 90 FPS निकाल कर देता है या नहीं। तो चलो मैच स्टार्ट करते हैं। हमने रियलमी नार्जो 70 टर्बो में भी TDM का मैच लगा कर देखा जिसमें हमें 90 FPS स्टेबल तो नहीं मिला, लेकिन अब टू 80 देखने को मिला। TDM का मैच लगाने के बाद इन दोनों स्मार्टफोन में से एक विनर स्मार्टफोन की बात करें तो विनर इज रियलमी नार्जो 70 टर्बो। TDM का मैच लगाने के बाद चलो अब रियलमी P1 स्पीड में एक क्लासिक का मैच लगा कर देखते हैं। तो फाइनली रियलमी P1 स्पीड में एक क्लासिक का मैच लग चुका है। तो चलो अब देखते हैं कि क्या यह डिवाइस रियलिटी में 90 FPS को सपोर्ट करता है और क्या क्लासिक के मैच में ये 90 FPS निकाल के देता है या नहीं और कितना फ्रेम ड्रॉप होता है। रियलमी P1 स्पीड में आप एक बार फिर से ग्राफिक को चेक कर लीजिए। तो ग्राफिक है स्मूथ के साथ एक्सट्रीम यानी 90 FPS, लेकिन अभी भी ये 60 FPS तक ही जा रहा है। भाई साहब, मेरे को अभी तक एक बार भी रियलमी P1 स्पीड में 60 FPS से ऊपर देखने को नहीं मिला और कंपनी वाले क्लेम करते हैं कि रियलमी P1 स्पीड 90 FPS को सपोर्ट करता है। तो चलो अब देखते हैं कि क्या डिवाइस रियलिटी में ही 90 FPS को सपोर्ट करता है या नहीं। रियलमी P1 स्पीड में एक क्लासिक का मैच लगाने के बाद भी हमें 90 FPS देखने को नहीं मिले। अगर रियलिटी में बात करें तो रियलमी P1 स्पीड हमें स्टेबल 60 FPS निकाल कर देता है, लेकिन कंपनी तो क्लेम करती है कि यह डिवाइस 90 FPS को सपोर्ट करता है, लेकिन मुझे गेम में एक भी बार 90 FPS देखने को नहीं मिला। तो चलो अब रियलमी नार्जो 70 टर्बो में एक क्लासिक का मैच लगा कर देखते हैं और देखते हैं कि यह डिवाइस रियलिटी में 90 FPS निकाल कर देता है या नहीं। इस डिवाइस में हमें लॉबी में ही 90 FPS देखने को मिल रहा है। तो चलो अभी देखते हैं कि गेम में भी ये 90 FPS को सपोर्ट करता है या नहीं। रियलमी नार्जो 70 टर्बो में भी क्लासिक का मैच खत्म हो चुका है और
फ्रेम रेट की बात करें तो हमें इस डिवाइस में 90 FPS तो देखने को मिलता ही है, लेकिन फ्रेम ड्रॉप के साथ। लगभग 50 मिनट गेम प्ले करने के बाद अगर बैटरी की बात करें तो Realme P1 स्पीड में हमें 84% बैटरी देखने को मिलती है, तो लगभग इस डिवाइस में हमें 14% का बैटरी ड्रॉप हुआ है। तो चलो अब बात करते हैं Realme Narzo 7 Turbo के बैटरी रेटिंग की। लगभग 50 मिनट गेम प्ले करने के बाद हमें इस डिवाइस में 83% बैटरी देखने को मिलती है, लगभग 17% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिलता है। तो अगर रियलिटी की बात करें तो हमें Realme P1 स्पीड में जरा भी 90 FPS का सपोर्ट देखने को नहीं मिला, और अगर बात करें Realme Narzo 7 Turbo में तो हमें 90 FPS देखने को मिला लेकिन कुछ फ्रेम ड्रॉप के साथ। अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन में से गेमिंग के लिए किसी स्मार्टफोन को लेना चाहते हो और अच्छी खासी गेम करना चाहते हो तो आप Realme Narzo 70 Turbo को ले सकते हो। चलो इतना ही इस वीडियो में, हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।